हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू प्रॉपर्टी इन दिल्ली। मैं हरिओम शर्मा, आपका दोस्त, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी जंक्शन एसोसिएट में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए एक नए वीडियो के साथ 2BHK लग्जरी फ्लैट नियर मेट्रो स्टेशन, प्राइम लोकेशन, बेस्ट लोकेशन, एक बेहतरीन सेट आपके लिए फ्लैट लेकर आए हैं। 2BHK बढ़िया फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नए फ्लैट के साथ, नए वीडियो के साथ हम आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने फ्लैट के एक बार वीडियो को देखते हैं, हमारा फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है, कैसी इसकी डेकोरेशन की हुई है, हमारे फ्लैट की कितना बेहतरीन तरीके से इसे डिजाइन किया हुआ है, एक हम छोटा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कमाल का फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2BHK एक लग्जरी फ्लैट, बेस्ट लोकेशन, प्राइम लोकेशन, विद लिफ्ट, विद कार पार्किंग के साथ ही हमारा फ्लैट है 2BHK। फ्री होल्ड रजिस्ट्री है, लो लेवल प्रॉपर्टी है, 80% लोन अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लैट के लोकेशन की, तो लोकेशन आती है उत्तम नगर बेस्ट, नियर उत्तम नगर बेस्ट, फ्राइडे मार्केट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फ्लैट के डेकोरेशन की, फ्लैट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी वॉकिंग डिस्टेंस की, तो मेट्रो बेस्ट जो हमारा, जहां हमारा फ्लैट है वहां से वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस हमारा मेट्रो से, मेट्रो से निकले, घर से निकले, मेट्रो काफी बढ़िया फ्लैट ये निकाला हुआ है। और इसमें हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपका बिजली अवेलेबल है, और दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है सीवर का वो भी अवेलेबल है, समर सेवल आपका लगा हुआ है जो 24 घंटे आपको उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं बच्चों के स्कूल के, तो 100 से 200 मीटर की दूरी पर दायरे में जो है हमारे बच्चों के स्कूल हैं काफी, और खेलने के लिए जो बच्चों के पार्क हैं वो भी यहाँ नजदीक में ही है। चलिए फ्लैट साहब, हम बात करते हैं अपने फ्लैट के साथ साथ अपने फ्लैट की पूरी जानकारी के लिए कि हमारे फ्लैट के अंदर अब क्या है। चलिए हम फ्रेंड साहब, हम बताते हैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से, आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमारे फ्लैट में क्या बेनिफिट है। चलिए फ्रेंड साहब, हम बात करते हैं अपने फ्लैट की डेकोरेशन की। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फ्लैट के मेन एंट्री से। आपने बाहर का एलिवेशन देखा, गाड़ी पार्किंग खुली स्पेस देखी। अब हम जहां है वहां से बात करते हैं अपने मेन एंट्री की, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो आप ये छोटा सा बॉक्स लगा हुआ देख रहे हैं ये हमारा MCV बॉक्स है, जहां से हमारे प्रॉपर पूरी जो हमारी फ्लैट की जो लाइट है वो पूरी यहीं से कट होती है और यहीं से चालू होती है। यहां से आप पूरी लाइट को कट और ऑन कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लैट की मेन एंट्री से, तो आप ये जो मेन एंट्री में ही, जैसे मैं एंटर करता हूँ, हमारी जो फ्लैट की एंट्री है वो साउथ एंट्री है और नॉर्थ फेसिंग है। चलिए हम बात करते हैं इसका, जो आप डोर देख रहे होंगे ये 3.75 फीट का ये डोर है, और इसकी जो हाइट है वो 8 फीट की है, और जो हमारा ये दरवाजा लगा हुआ है इस पे आप देख रहे होंगे काफी शाइनिंगदार, खूबी सूरतीदार यहाँ पर ये सनमाइका ये प्लेस की हुई है, और इसपे जो हमारे सेंटर लॉक लगे हुए हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसलिए जो सेंटर लॉक लगे हुए हैं वो हमारे डोर की शोभा को बढ़ाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसी के साथ, जो मेन एंट्री के साथ ही जो एंटर करते हैं हम, अपने आते हैं लिविंग एरिया। अब हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने लिविंग एरिया की बात करते हैं, ये जो आप पूरा लिविंग एरिया जो आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा स्पेसियस आपको 2BHK के फ्लैट में स्पेसियस आपको लिविंग एरिया मिल रहा है। यहाँ आप जो वॉलपेपर ये लगा हुआ है, यहाँ से जो आपका यहाँ पर जो आएगा जो स्पेस खाली है, यहाँ पर आपका सोफा सेट आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के जस्ट सामने ही जो आप ये पंखे और जो लाइटें लगी हुई है, ये हमारे पूरे फ्लैट के लिए वेंटिलेशन के लिए, जो फ्लोर और रोशनी के
के लिए जो यहाँ पर लगाई गई हुई है, जो हमारे फ्लैट में पूरी तरीके से रोशनी अवेलेबल रहे। और ये आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर एक जो झूमर लगा हुआ है, ये हमारा म्यूजिकल झूमर है, जहां से आप इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल ये झूमर है, इसमें आप लाइटें चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। ये यहाँ से ये मैंने ऑफ कर दिया है, ये मैंने ऑन किया, ये दूसरी लाइट आ गई, और यहाँ से फिर मैंने ऑफ किया, ये यहाँ से लाइटें आप चेंज कर सकते हैं। इसमें काफी बेनिफिट है, और इसमें म्यूजिक भी दिया हुआ है, जैसे कि आप मैंने बताया था म्यूजिकल ये झूमर है, आप यहाँ से रिमोट से अपने म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने जस्ट सामने लिविंग एरिया की एलसीडी पैनल की। तो यहाँ पर जो है हमारा ये एलसीडी पैनल है, यहाँ से ये डोर के साथ एंट्री के साथ ही हमारा ये एलसीडी पैनल दिया हुआ है। काफी बढ़िया खूबसूरत ये एलसीडी पैनल, जो हर चीज से मैचिंग करता है। यहाँ आप देख रहे हो इसमें एक सेल्फ पड़ी हुई है, और यहाँ आपको दो ड्रॉ मिल रही है, जो अपने अकॉर्डिंग किसी भी सामान को यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा जो बीच का स्पेस है, यहाँ आपका एलसीडी टीवी आएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने किचन की। सबसे पहले बात आती है हमारी किचन की, तो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मैंने किचन में एंटर किया हुआ है, और आप किचन में देख रहे होंगे ये आपकी चिमनी लगी हुई है, और मॉडर्न किचन काफी स्पेसियस बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग किया हुआ ये हमारी किचन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये सामने जस्ट सामने ही आप इसमें देख रहे होंगे कि ये हमारा आरओ लगा हुआ है। इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें जो लाइटें लगी हुई है जो 1 इंच की, और इसमें जो शोभा को बढ़ाती है इसकी, और जो इनमें सनमाइका यूज की हुई है वो हमारी काफी शानदार, जो हमारी टाइलों से मैचिंग, हर चीज से मैचिंग करके, जिससे कि हमारे फ्लैट को खूबसूरती की तरह बहुत ही बढ़िया लुक हमारे फ्लैट को देती है। और यहाँ आप देख ही रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगी हुई है, या इसका इसमें जो है पाइप जो है वो बाहर की तरफ गया हुआ है, और जो सामने है वो हमारी विंडो है, जो विंडो साकेट दी हुई है, जहां से हम अपनी खिड़की भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो आपको दो जगह ऊपर जो स्पेस आपको दिख रहे होंगे वो हमारे एडजस्ट फैन के लिए है, जिससे कि हम एडजस्ट फैन उसमें लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी, जैसे हम कोई भी वर्क अपने किचन में करते हैं तो किसी भी तरीके से प्रदूषण वगैरह ना हो, तो इसलिए इसमें एडजस्ट फैन के द्वारा आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आप सेफ सुरक्षित बहुत ही आराम से इसमें रह सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे जो मैं ये ट्रॉली लगाई हुई है यहाँ पर, जो मतलब ये हर तरीके से ये इसमें जो कब्जे हैं, चैनल है, ये हाइड्रोलिक कब्जे और चैनल यूज किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डिजाइनिंग और बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से मजबूती से इसे बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने किचन के स्पेस की। तो आप ये जो स्पेस देख रहे होंगे किचन का, ये हमारा स्पेस है 5 फीट, जो हमारा इसमें कारपेट स्पेस जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है वो है हमारा 5 फीट। और जो अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसका स्पेस आ जाता है हमारा 12 फीट। यहाँ से 12x5 का आपका ये जो है मॉडलर किचन बेहतरीन बढ़िया तरीके से आपको फुल्ली स्पेसियस आपको किचन मॉडलर यहाँ पर आपका मिल रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ जो आपने ये देखी होगी, यहाँ आपका सिंक लगा हुआ है एक जगह सेपरेट, ये हमारा सेपरेट किचन हो गया। यहाँ से आपका जो सिंक लगा हुआ है जो बर्तन वगैरह धोने के लिए, वो काफी सेपरेट हर तरीके से इसे सेपरेट यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं किचन के साथ ही फ्रेंड्स, जो हमारे बेडरूम की बात आती है कि हमारे बेडरूम आखिर कैसे दिखते हैं, क्या है हमारे बेडरूम में, कैसे और कैसे इसे हमें वेंटिलेशन मिलता है और कैसे क्या इसमें है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें ही एंट्री करते हुए जो हमारा डोर है वो 3 फीट का इसकी चौड़ाई है, और जो हमारे इसकी हाइट है वो भी 8 फीट की हाइट इसमें आपको दे रहे हैं। और जो हमारा डोर होगा वो आपने मेन डोर से, जो मैंने पिछले 2 मिनट पहले आपको बताया था कि जैसा ही उसमें जो किया हुआ है, इसमें सारा ही डेकोरेशन एक तरीके से किया हुआ है, जैसे कि हमारे फ्लैट को डेकोरेशन बनाती है और ब्यूटीफुल बेहतरीन तरीके से हमारे फ्लैट की शोभा को बढ़ाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फ्लैट के साइज की, और इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट सामने ही आप इसे देख रहे होंगे, ये है हमारा वॉशरूम, बेडरूम से अटैच्ड इसमें वॉशरूम है,
और ये जो जस्ट सामने ही है मैं इसमें भी दिखा दूंगा आपका, इसमें भी स्पेस है काफी और इसमें भी वेंटिलेशन आपको पूरा मिल रहा है। ये हमारा वॉशरूम हो गया। और मैं बताना चाहूंगा आपके लिए ये जो मेन डोर है इधर इस तरफ का जो बालकोनी का तरफ का, इसमें आपको विंडो एसी की फिटिंग मिल रही है। और मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा इसमें आपको जो बालकोनी है पीछे की साइड जो पीछे है वो है 6 से 8 फीट की गली मिलेगी बैक साइड। और यहाँ आपका स्पेस वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए जो भी है इसमें पूरा, और काफी इसे अगर खोल के रखते हैं तो पूरा वेंटिलेशन हमारे बेडरूमों में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके स्पेस की बात करें, तो यहाँ बात करते हैं इसके फ्लैट के स्पेस की। तो हम आपको बताएंगे इसका जो इस लंबाई का जो स्पेस है हमारा, जो कार्पेट एरिया है इसका जो साइज है हमारा वो है हमारा 10 फीट, और इधर से जो चौड़ाई अगर हम बेडरूम की वो करते हैं तो इधर से लगभग 9 फीट। अब हम इतना स्पेसियस आपको बेडरूम यहाँ पर मिल रहा है, जो हमारा यहाँ पर जस्ट बेड आएगा और ये हमारा अटैच वॉशरूम हो गया और इधर से साथ ही हमारी बालकोनी हो गई। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वैसे ही वही डेकोरेशन जो हमारे मेन एंट्री के साथ थी, वही इसमें एंट्री के साथ ही हमारा एक LCD पैनल दिया हुआ है जिससे कि हमारी LCD TV और बाकी कोई भी यूजली आप इसे जो ड्रो दे रखी है इसमें, तो इसे आप यूजली अपने अकॉर्डिंग कोई भी सामान रख सकते हैं। चलिए फिर सब हम बात करते हैं अपने दूसरे बेडरूम की। यहाँ आपने एंटर किया अपने सेकंड बेडरूम में, अब हम इसमें देखते हैं हमारे बेडरूम में क्या है। चलिए फिर सब हम इसे बताना चाहेंगे जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, एंटर के साथ ही इसमें भी वही डेकोरेशन वही पैटर्न वही साइज और वही डिजाइनिंग इसमें भी दिया हुआ है। बट इसमें एक्चुअली नया क्या है, इसमें आप जो जज सामने ही एक बड़ी काफी बड़ी अलमीरा देख रहे होंगे जिसमें स्लैट के काम पल्ले लगे हुए हैं। ये आपको अलमीरा आपके अकॉर्डिंग किसी भी सामान यूजली आपको दिया हुआ है। और इसके साइड में जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये ड्रेसिंग इसके साइड में आईना लगा रखा है जिससे कि आप इसमें हमारा LCD पैनल हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गई, ड्रेसिंग हो गया और ये जो है हमारा अलमीरा हो गई। अब हम बात करते हैं इसके बाथरूम की, तो जस्ट सामने ही ये आप देख रहे होंगे स्पेसियस हमारा इसमें वॉशरूम मिल रहा है। और इसमें हमारा जो है मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा ये वेंटिलेशन दिखाएंगे आपको, इसमें भी वॉशरूम में आपको वेंटिलेशन पूरा मिल रहा है जिससे कि आपको कोई भी वॉशरूम में भी कहीं भी इस फ्लैट में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसमें लाइटें वगैरह ये टाइल वगैरह पूरे पे लगाई हुई है जिससे कि पानी वगैरह पड़ने से कोई भी वॉल दीवार जो है हमारी पेंट के साथ वो खराब नहीं होगी। इसमें पूरी तरीके से इसमें सेफ्टी दी हुई है। अब हम बात करते हैं चलिए फ्रेंड्स कि हमारे जो है इसमें विंडो नहीं दी हुई है तो हमारी AC का कैसा क्या रहेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो जस्ट इस दीवार पे आप देख रहे होंगे ये हमारी जो फिटिंग है वो स्प्रेडर AC की फिटिंग है। यहाँ पर आपको स्प्रेडर AC की फिटिंग मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं अपने LCD पैनल की। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपने उस दो LCD पैनलों में आपने देखा होगा कि जो नीचे की तरह है वो आपको दो ड्रो मिल रही, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या दे रखा है अलग से, इसमें डिजाइनिंग किया हुआ, इसमें जो है दो बटन सेल्फ दे रखी है आपके लिए जो अपने अकॉर्डिंग किसी भी गुलदस्ता वगैरह हो कुछ भी यूजली मतलब कुछ इसे सजाने के लिए आप जो इसमें सेल्फ देख रहे हैं वो आपको रख सकते हैं जिससे कि बहुत ही सुंदर जिसमें आपकी बीच में LCD TV आएगी और उस तरफ आप कुछ भी यूजली ऐसे रख सकते हैं जो कि हमारे LCD पैनल और हमारे बेडरूम की शोभा को बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगली वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। कमाल का फ्लैट 2BHK जैसे कि मैंने आपको बताया भी था और दिखाया भी था, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे प्रॉपर तरीके से इसे डिजाइनिंग किया हुआ और प्रॉपर तरीके से इसे डेकोरेशन किया हुआ जो हमारे फ्लैट के डेकोरेशन को बढ़ाता है और बहुत ही शानदार शोभा को बढ़ाता है। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट करें, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9211109796, दूसरा नंबर है हमारा 8750193541, इस नंबर पे हमें कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स विजिट कम माई ऑफिस, हमारा ऑफिस है उत्तम नगर वेस्ट पिलर नंबर 691 दयाल सार रोड Z9 शॉप नंबर 2 प्रॉपर्टी जंक्शन एसोसिएट नाम से अपना ऑफिस है। फ्रेंड्स अब देर ना करें, जल्द से आए और अपने फ्लैट को अपना बनाए। फ्रेंड्स जल्दी ही लौटेंगे हम नए वीडियो नए फ्लैट के साथ।
तब तक ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। थैंक यू, जय हिंद, जय माता दी फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।